बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज मैं आपको लेकर आया हूँ फैसलाबाद का। ये रूरल एरिया है और ये पुराना रेलवे स्टेशन है अब्बासपुर। इसका मैं आपको विज़िट कराता हूँ। ये अजीत जनाबे वाले, ये खंडर बन चुका है बिल्कुल। यहाँ पर कोई जन्नत वगैरह भी हो सकते हैं। ये देखिए इसकी हालत। और ये है जी इसकी टिकट घर, टिकट घर है। और ये यादगिरी है पुरानी। इसका ये टाइम देखें, 15:10:98। औकात रेल है जी। और ये यादगार कराया नाम है। ऐसे जनाबे वाली खाने वाल का किराया 24 रुपये और जहानिया मुल्तान 30 रुपये। दुनियापुर और ये बहावलपुर 37 रुपये, 37। बहावलपुर 37, उसका आज मेरा ख्याल है कम से कम 700 या 800 रुपया किराया होगा। ये इसका है जी बैरूनी मंजर, बाहर से दिखाते हैं आपको। ये है जी इसका बाहर का एरिया। इसका टावर है। इसका नाम भी मिट चुका है। और जनाबे वाली इस वक्त यहाँ पर आ रही है कराची से चलकर लाला मूसर जाने वाली 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस, जो कि 2 महीने के बाद फैसलाबाद आ रही है। ये जी बासपुर का प्लेटफॉर्म, यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड है। सेवनटीन अब मिल्लत एक्सप्रेस 2 महीने की बंदिश के बाद आज कराची से चलकर फैसलाबाद आज पहुंच रही है। आज 21 अक्टूबर है जी। आपको उसका थ्रू पास दिखाते हैं। पाकिस्तान रेलवे का ये ताबनाक माजी था जो आज खंडरात में तब्दील हो चुका है। ना रेलवे को इसकी फिक्र है और ना हुकूमत को इसकी फिक्र है। रेलवे स्टेशन मुसलसल कम हो रहे हैं, ट्रेनें मुसलसल कम हो रही हैं, ट्रैक की हालत दिन ब दिन ख़राब हो रही है। और यहाँ पर ये नशा करने वाले अपने काम में मसरूफ़ हैं। अरे जब ऐसी जगह हो गई इनके लिए तो ये मौजे ही मौजे हैं। सेवनटीन अप मिल्लत एक्सप्रेस की लाइटें नज़र आ रही हैं। तो चंद ही लोगों में यहाँ तक पहुँच जाएगी। विजय जनाबे वाली, सेवनटीन अप मिल्लत एक्सप्रेस अब्बासपुर रेलवे स्टेशन से थ्रू पास हो रही है। 2 महीने के बाद इसकी शक्ल देखिए आज।
जियो 40 है जी लीड पर, खासी स्पीड से आ रही है। मित्रों आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, शुक्रिया।